EVS क्लास 5 लेसन 19 ए सीड टेल्स ए फार्मर स्टोरी, किसानों की कहानी बीज की जुबानी। प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता, नमिता यादव। किसानों की कहानी बीज की जुबानी। इस पार्ट में हम जानेंगे खेती के तरीकों में पुराने समय से अब तक क्या क्या बदलाव आए हैं, बीजों में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या तकनीक का बदलना हमेशा अच्छा होता है या तकनीक में बदलाव के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। किसानों की कहानी बीज की जुबानी। मैं हूं नन्ना बाजरा। ये कहानी मेरी ही नहीं, गुजरात के वामनगर में रहने वाले दामजी भाई की भी है। कहानी शुरू होती है 1940 के त्योहार के एक उत्सव के माहौल से, फसल कटने के बाद जो मनाया जा रहा है। खेतों में सब्जियों और मसालों से भरकर एक उल्टे मटके में आग पर सब्जियों को पकाया जाता है, जिसे गुजराती में ऊंधियू कहते हैं। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। इस तरह से संग साथ में मिलकर बैठने का आनंद ही कुछ और था। दामजी भाई अगली फसल के लिए हम बीजों को संभाल कर रख देते थे। इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई। दामजी भाई अगली फसल के लिए लौकी के अंदर हम बीजों को रखकर अगले साल के लिए सुरक्षित रख देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने हाथों से लकड़ी का एक बक्सा बनाया जिसमें छोटे छोटे खाने थे, और बक्से में कीड़ों से बचाने के लिए नीचे नीम की पत्ते बिछाई। इस बार की फसल बहुत अच्छी। बच्चों, तरह तरह के बीज, इन अनाजों के बीज को आप पहचान पा रहे हैं? कुछ बीज आप लोगों ने देखे भी होंगे, कुछ नहीं भी। आइए कुछ से हम आपकी पहचान कराएं। ये है गेहूं, मक्का जिसे मेज लकोन भी कहते हैं, मिलेट यानी बाजरा, सरसों, सरसों से हमें तेल मिलता है, सरसों का बीज बहुत बारीक होता है, चावल, चावल से तो सभी परिचित हैं, काली मिर्च का प्रयोग मसालों में किया जाता है। कुछ सालों में गांव में कई बदलाव आए। धीरे धीरे सभी लोग गेहूं और कपास की फसल उगाने लगे। दामजी के खेतों से हम ज्वार, बाजरे और साग सब्जियों की तो छुट्टी ही हो गई। खास मौकों पर ही खास खाना पकाया जाता और पुराने खाने के स्वाद को याद करते, मगर बीज ही बदल गए तो स्वाद कैसे ना बदले। दामजी भाई का काम उनका बेटा हसमुख संभालने लगा। उसने आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर। बक्से में पड़े हम पुराने बीजों को ऐसी तरक्की पर शक था, हम तो सोचते ही रह गए। हमारी और बैलों की तो छुट्टी ही हो गई, लोगों को भी बेरोजगार कर दिया। अगले 20 साल में गांव में और भी बदलाव आए। गाय बैल नहीं तो गोबर की खाद नहीं, कीटनाशकों और रासायनिक खादों ने खर्चे पर खर्चे बढ़ा दिए। इन खर्चों को पूरा करने के लिए बैंक से कर्जा लेना पड़ा। सारा मुनाफा इस कर्जे को चुकाने में जाने लगा। हसमुख अब चिड़चिड़ा हो गया। उसका बेटा परेश खेती नहीं करना चाहता, उसने ट्रक का काम शुरू कर दिया है ताकि वो बैंक के कर्जे को चुका सके। कल वो बाग के पास आया और उसने पूछा, दादाजी का वो बीजों को रखने का बक्सा कहाँ है, मुझे उसमें ट्रक ठीक करने के औजार। बाजरे की रोटी की कहानी। खेत से थाली तक बाजरे के पौधों से बालियों को तोड़कर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उनको एक बड़ी सी ओखली में कूटा जाता है। अब ये काम मशीनों के द्वारा होता है, पहले ये काम हाथों द्वारा करते थे। ओखली से कूटने से बाजरा अलग हो जाता है, जिसे छानकर हम अलग कर लेते हैं। अब ये बाजरा हमारे प्रयोग के लिए तैयार है। बाजरे को चक्की के द्वारा पीसा जाता है और उसका आटा तैयार कर लिया जाता है। आटे को छानकर उसको गूंथा जाता है और उसकी छोटी छोटी लोई बना ली जाती हैं। इन लोई को बेलकर गोल गोल चपातियां तैयार कर लेते हैं। फिर
इन चपातियों को चूल्हे की आंच में सेका। आइए देखें आपने अब तक क्या सीखा। दो बीजों के नाम बताओ जिनसे हमें तेल मिलता है, जो अनाज के रूप में काम आते हैं और जो मसालों के रूप में उपयोग होते हैं। पाठ से देहरी गांव की कहानी पढ़िए और देखिए कैंचों से किस प्रकार उपजाऊ खाद बनाया जा सकता। तकनीक का अर्थ मशीनों का प्रयोग ही नहीं है। रसोई घर में अपनी माँ को आटा गूंदते हुए देखो कि आटे को गूंदना भी एक तकनीक है। बचे हुए खाने की चीजों छिलकों से खाद कैसे बनाई जा सकती है पता कीजिए। अपने परिवार या पड़ोस के बड़े बूढ़ों से चर्चा करो। कौन से ऐसे बदलाव आए हैं जिन्हें तरक्की या विकास कहना कठिन है।